के पेपर की सर नहीं मिली। नहीं मिली, कुछ नहीं। तो अच्छा, और वो जो पेपर वन है क्या उसको सॉल्व कराना है दोबारा? सर वो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे ना, मतलब 8-10 ही हुए थे हाँ सर। उसके बाद मत कराओ, मतलब मैट्रिक्स मैच वाले हो जाएंगे। मैट्रिक्स मैथ तो बहुत इजी है, मैट्रिक्स मैथ तो बहुत ज्यादा इजी आया वो। और अब दूसरा पेपर करके देखा तूने? सर दूसरा पेपर, हाँ मतलब दोबारा पढ़ा था कल, तो फिर मतलब आसान ही लग रहा था सर। आसान है पेपर, अगर पता है ऐसे पेपर प्रैक्टिस कर लेगा ना ढंग से, बिल्कुल ये 40-50 पेपर कर गया ऐसे वाले, तो जाके तेरे को पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाएगा, कौन से पेपर को अटेम्प्ट करना है फर्स्ट टाइम पे, कौन से पेपर को नहीं करना, अभी उसको बाद में ट्राई करना है, समझा कि नहीं? यस सर। सितंबर के बाद ना, जैसे ही तेरा ये खत्म हो जाता है सिलेबस सितंबर एंड के बाद, तो वार्निंग आती है, मैं ये मान के चलूंगा तेरे को सारी, सही है? हाँ, यस सर। उसके बाद फिर करना है काम ये। अर्जुन क्लास में है? हाँ, यस अर्जुन समझ सर। गया कि नहीं? गर्व मंगला, ओके सर। गर्व बस ये क्लासेस मत छोड़ियो कोई भी, चाहे मेरे को पता है तेरे को आईपीएससी तू 3-4 बार कर चुका है, लेकिन फिर भी कर लियो दो बार जरूर ढंग से। हैं यस सर। सारे सही हो रहे हैं ना? यस और रटने वाला काम जरूर कर ले, वो नेम रेक्शन डिस्टिंक्शन कन्वर्जेंस, मैंने बोला 30th तक का टाइम दिया, 30th के बाद मैं सीधा एक टेस्ट रखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट वाला, नेम रेक्शन डिस्टिंक्शन कन्वर्जेंस के ऊपर, क्योंकि पूरा पेपर ही पिछले ओके तीन साल सर। से पेपर ही पिछले 3 साल से पूरा पेपर उसी के ऊपर आ रहा है, इस बार तो 100% आ गया लगभग। इस बार तो ग्रेविटी रीजन भी काफी आया था। हाँ, ग्रेनाइट रीजन भरा पड़ा इस बार। चलो अभी ऐसा ही होना चाहिए सबके, हिंट दे दिया मैंने कैसे करना है, इसको ट्राई करना है। 3-4 बच्चे हट गए क्लास से ना, कम हो गए, घर पता लगेगा कौन कौन नहीं आया। सर जब वो लास्ट लेक्चर होगा तो सर मैं उसमें अटेंडेंस ले लूंगा, उसमें जो भी कम होगा मैं बता दूंगा। अच्छा चल सही है। अर्जुन सारे कर लिए हैं? यस सर। चलो अभी करो ट्राई, बताता हूँ अभी। और किसने कर लिया है?
जो आईने की क्लासेस में लेता हूँ एंट्रेंस वाले बैच में 12th में से, उनमें कौन कौन अटेंड कर रहा है? तो मैं आज सर से आगे क्या करूंगा आपने ये। स्टार्ट कब से की थी? सर आप लिंक कहाँ भेजते हो सर? लिंक में जो बच्चे जिनको चाहिए होता है मैं वो मेरे से ले लेते हैं, 3-4 बच्चे लिंक। सर एक आपने शायद क्रिश स्टार्ट ले कहाँ रहा से है। की थी? कब करी थी? सर आपको दो स्टार्ट तीन बार मांगा था, आपने भेजा ही नहीं। नहीं, मनन तो लिंक तू मेरे शायद मैं से एक बार मिस हुआ तेरा, क्योंकि तूने लेट मांगा था शायद। जिन्होंने पहले ले लिया होता मैं उनको भेजता हूँ लिंक। इशिता ने अटेंड किया एक दो बार, और ये अर्शी रेगुलर अटेंड कर रही है, और हिमांग रेगुलर अटेंड कर रहा है, सर मैं आज से और अटेंड कौन है, कर, क्रिश सर कितनी क्लासेस कर हो रहा है गई हैं? अटेंड। उसकी हो गई है शायद 5 क्लासेस हो गई है शायद। हैं कितनी हो गई क्लासेस ये उसको पता होगा, हिमांग को। हिमांग हाँ से 4-5 हो गई है अभी। ओके सर, हिमांग मैं तूने भी पेपर अटेंड कर किया? रहा हूँ। हाँ यस तो सर, 4-5 बजे। हिमांग तूने वो पेपर किया था दोबारा क्या, आईआईटी वाला? अभी दोबारा नहीं गया वो जो आपने कहा था, उसके बाद अभी नहीं गया है। अच्छा सही है हिमांग, तेरे को भी यही टारगेट करना है जो मैंने बोला ना, गर्मला को, गर्व सिंगल को या अर्जुन को, किसी को भी, क्रिश को भी। तुम लोगों को भी वही करना है कि सितंबर तक ना तुम्हारा खत्म हो जाए काम, क्योंकि तुम लोगों ने जिसने और नहीं कर रखी ढंग से, सितंबर एंड तक ना पूरा खत्म हो जाए। ओके सर, फिर पेपर, क्योंकि उस सितंबर में ही शायद हो सकता है मैं एडवांस पेपर तुम्हें देने जाऊं करने के लिए। फाइल है पूरी इसकी, मेंस की और एडवांस की। सही है। चलो ओके सर, यस। अभी ये किस किसने ट्राई, 11th में किसी ने ट्राई कर लिया कि नहीं? इलेवंथ वाले बच्चे तो अपने पेरेंट्स के साथ रहने ज्यादा अच्छा रहेगा, पेरेंट्स भी होने चाहिए सबके। तुम लोग मतलब बंद कमरे में बैठ के पढ़ते हो ना, वो गड़बड़ हो जाती है, फिर पेरेंट्स जरूर रहने चाहिए साथ में। 11th वाले बच्चों में किसी ने किया कि नहीं? आदित्य, चित्राक्ष, नहीं क्या किसी ने दिया 10th में से? दिया यो सर फर्स्ट वाला ट्राई किया है। अच्छा ट्राई किया, चलो बोलो दिया। सर 2 ब्रैकेट 3 N 1 आइनाइल ब्यूटेन 3 ओन 4 मिथाइल ब्यूटेन। ओके नहीं, चलो फिर अभी 11th सारे बच्चों में किसी ने नहीं किया, कीर्ति ने किया ट्राई। नहीं कीर्ति देख लिया मैंने तो गलत है तुम्हारा। चित्राक्ष, कीर्ति प्रैक्टिस करो और ढंग से। टू टू वन हाँ वन डाई मिथाइल डाई क्लोरो मिथाइल मिथाइल हेक्स फाइन ई 3 आयन 1 ओ। मिथाइल, ये क्या बोला है, हेक्स? हाँ 5 E 3 आयन 1 ओ। 108, और इसमें ई किसमें आएगा किसमें नहीं आएगा? सर सिर्फ 8 में आएगा। अच्छा सही है, देखो इसका सही है, ऑलमोस्ट सही है इसका। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको लिखना होता है हमेशा, इसका रूल है ये। इसको पहले लिखो मिथाइल, फिर 1 2 3 4 5 6। मिथाइल लिखने के बाद ठीक है ना, मिथाइल लिखने के बाद 2 पे 1 1 डाइक्लोरोमिथाइल बोल दो, या डाइक्लोरोमिथाइल। 1 1 को नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं। मिथाइल, फिर 2 पे डाइक्लोरोमिथाइल, डाइक्लोरोमिथाइल मैं रब कर दूंगा इसके बाद, ध्यान रखना 2 पे डाइक्लोरोमिथाइल, ये तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है बहुत बार। फिर हेक्स 5 पे ईन पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 4 पे के बाद लिखेंगे, ना ईन का ई आएगा ना आइन का, क्योंकि आगे वॉवल आ जाए या वाई आ जाए तो पिछला वॉवल हट जाता है। और 1 पे ओ8, 1 पे ओ8, ये चित्राक्ष का बिल्कुल सही है। और किसका सही हुआ है? तुम लोग प्रैक्टिस करो, बाकी लोग बच्चे जरूर ढंग से। आदित्य का सही है, आदित्य पूरा सही है, कोई गलती तो नहीं है? नो सर, पूरा सही है। तो तूने हैंड रेज क्यों नहीं किया? तो वो सर दूसरा वाला ट्राई कर रहा था। तू हैंड रेज तो करेगा ना, पता तो लगे किसने किया किसने नहीं किया।
12th लेवल के सॉरी सर। लगभग हाँ शरद फोर पे की जगह इशिता थ्री पे अर्जुन, आए नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ बोल अर्जुन, फोर की जगह थ्री पे आए ना, आएगा ना आएंगे तो। आइन 3 पे, हाँ 3 पे आइन है, 3 पे आइन आएगा ये, आदित्य शरद इशिता अर्जुन तरुण ध्वनि नवीन सौम्या दिवा ध्रुव मनन हिमांग तान्या विधि गर्व वैभव चित्राक्ष काजल कृष हर्षित, हर्षित तेरा सही है ये? सर मेरा ना ऑलमोस्ट सही था, मतलब इसमें जैसे अब 6 था है ना, मैंने 7 कर दिया था यहाँ पर। ये जो 2 के नीचे 1 उसके साइड में लिख दिया था मैंने 1। अच्छा कुछ होता, हर चीज पूरा सही होता है ना, तो सही मानेंगे इसमें ध्यान रखना जिसका, लेकिन चल तूने इतना भी सही ठीक किया तो है बहुत हाँ अच्छी बात है, और ट्राई कर ढंग से। नेक्स्ट की नेमिंग कौन बोलेगा? सर। नेक्स्ट की नेमिंग इसको बोलिए, नेक्स्ट की नेमिंग कौन बोलेगा? ये 11 सारे बच्चों में से अभी सर तक ये तुम्हें नेक्स्ट वाले प्रेफरेंस, में टर्मिनल पे एल्डिहाइड लेंगे ना। अगर तुम्हें प्रेफरेंस ऑर्डर याद है तो फिर कुछ भी नहीं है इसके अंदर, प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं याद है फिर तो दिक्कत आएगी। इसमें अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, एस्टर भी है, तो तुम ये देखो किसको मिलेगी प्रेफरेंस। यश बच्चा तो नहीं है ना क्लास में कोई भी? चलो अब बोलना किसी को नेमिंग, 11th में से किसी ने नहीं किया, 12th में से एक बार नेमिंग इसमें विधि, विधि ट्राई करो, हिमांग रुक जा अभी, विधि सर इथाइल 4 पे 1 ब्रोमो मिथाइल 2 कार्बोडिहाइड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन नहीं विधि, 1 ओ एट। नहीं नहीं विधि गलत कर गए दो तीन जगह। अब नेक्स्ट हिमांग तू बोल। सर इथाइल हाँ फिटू एल्डो 5 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइड। एक बार थोड़ा सा स्लो दोबारा बोल, इथाइल 2 पे एल्डो 2 एल्डो 5 ब्रोमो हम 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हाँ पेंटेनॉइड। बिल्कुल सही है। विधि समझ आ गई गलती क्या? देखो यस सर, एक तो तुमने यहाँ पे ना इसको 4 की जगह 5 यहाँ ले गए थे तुम, एक तो ये गलती हो गई, यहीं से गलत हो गया पूरा। और एक गलती तुमने की लास्ट में ना, तुमने पेंट 108 बोला था शायद, वो पेंटेन आना था सही। हाँ यस सर, इथाइल, इथाइल 2 पे आएगा एल्डो, 2 पे एल्डो आएगा, 3 पे हाइड्रोक्सी आएगा, इथाइल 2 पे एल्डो आएगा, 3 पे हाइड्रोक्सी आएगा, 4 पे फिर मिथाइल आएगा, 4 पे फिर मिथाइल आएगा, 5 पे ब्रोमो आएगा, 5 पे ब्रोमो आएगा, 5 पे क्या आएगा ब्रोमो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन 108, 5 कार्बन है तो पेंटेन 108। हर्षित तेरे को समझ आ गया है? हाँ सर ये वाला गलत था मेरा सर। हाँ कुछ नहीं होता लेकिन समझ में आना जरूरी है। इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप में ध्यान रखना चीज का, एक फंक्शन ग्रुप ये पूरा, इसको ऐसे मत करना। मैक्सिमम केसेस में बच्चे क्या करते हैं कि इसको कीटोन मान लिया और ये ईथर मान लिया, ये ईथर वाला फंक्शन ग्रुप है और ये कीटोन वाला, ज्वाइन करके देखना हमेशा, ज्वाइन करके देखना हमेशा। ऐसे मैं आगे सिखाऊंगा, एसिड के अंदर एसिड ये वाला ग्रुप है, क्या करते हैं ये कीटोन ले लिया, ये अल्कोहल ले लिया, ये कीटोन ये अल्कोहल। ऐसे ही एक ग्रुप है एमाइड, उसमें भी गलती मत करना, हमेशा कंबाइन करके देखना, ये कीटोन ले लिया या अमीन ले लिया, जबकि ये पूरा क्या है एमाइड है। ऐसे और भी ग्रुप है सही ना, इस चीज का ध्यान रखना जरूर। अच्छा अब इसमें 3 फंक्शन ग्रुप थे, एक एस्टर था, एक एल्डिहाइड था, एक अल्कोहल था, तीनों में प्रेफरेंस किसको मिलती है? एस्टर को। ऑर्डर प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने तुम्हें लिखा रखा है सही ना, अमीन सॉल्ट था, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड,
एसिडामाइड, सुलेनाइट्राइज, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल, थायल्स, अमीन, ईथर। याद है ना, वो रोज बोलना है मन में, तभी याद होगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं होगा वो। अच्छा थर्ड केस, थर्ड देखो, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, इसको कम से कम 11 साल बच्चे 5 बार प्रैक्टिस करेंगे ढंग से, बोल बोल के, लिख के करेंगे तो याद रहेगा लंबे समय तक। अच्छा अब है थर्ड की नेमिंग, थर्ड की है किसी ने? थर्ड किया है किसी ने कि नहीं? 11 साल बच्चों में से दिवस ने किया, दिवस बोल। सर विधि, वन टू थ्री ट्राई इथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेन। नहीं तू मिस कर गया है, थर्ड वाली की नेमिंग बोली है ना मैंने, ये वाला करना है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलना है ये, वो वाला सर ट्राई कर रहा हूँ मैं। चलो सही है। थर्ड की नेमिंग और किसी को बोलनी है? नहीं, 12 साल बच्चों में से हिमांग के अलावा। हाँ अर्जुन बोल। बोल अर्जुन। सॉरी सर, 2 पे नाइट्रोसो, 3 पे हाँ मिथिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कीटो हेक्सेनोइड। दोबारा बोल एक बार। तूने बोला 2 पे नाइट्रोसो, पहले मिथाइल, फिर 2 नाइट्रोसो, थ्री पे टू मिथाइल, 2 नाइट्रोसो, 3 पे मिथिनाइल, 4 पे हाइड्रोक्सी, 5 कीटो हेक्सेनोइड। नहीं, गलत है बिल्कुल। हाँ और कौन? गर्व सिंगल, घर सिंगल। हाँ घर सिंगल और हिमांग, 3 बच्चों ने किया सिर्फ ये पूरा नाम, ये नाम। और किसी ने किया है? तो मैंने भी कराया। किसने? एक मिनट, घर सिंगल ने किया, नवीन ने, मनन ने। मनन तू बोल। सर मिथाइल 2 नाइट्रोसो, 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइलिडीन, 4 ऑक्सो हेक्सेनोइड। कुछ नहीं, मनन सही नहीं है। नेक्स्ट अब क्रिश रह गया, घर सिंगल रह गया, 3 4 बच्चों ने और किया। एक मैं देख लेता हूँ। हाँ तरुण ट्राई कर, बहुत अच्छे तरुण। सर मिथाइल 2 नाइट्रो, 5 ऑक्सो, 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथिलीडीन, हेक्सेनोइड। नहीं, गलत कर रहे हो अभी। अब नवीन तू बोल। सर मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी, 2 नाइट्रोसो, 3 मिथाइलीडीन, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइड। नहीं, घर सिंगल। सर मिथाइल मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी, 5 कीटो, 3 मिथाइलिडीन, 2 नाइट्रोसो हेक्सेनोइड। ये सेम बोला नवीन ने। गर मंगला ने किया क्या? गर मंगला, गर हिमांग बोल। अच्छा मिथाइल 2 नाइट्रोसो, 3 पे 1 हाइड्रोक्सी, 2 कीटो प्रोपाइल, ब्यूट 3 इन 1 ओएच। ये बिल्कुल सही है, 4 की चेन है सिर्फ ये। गर देख, समझ आ गया क्या? डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट की तरफ? सर एक बार फंक्शनल ग्रुप आ गया फिर तो डबल। फंक्शन ग्रुप तो यही है, सिर्फ एक ही है फंक्शन ग्रुप, एक ही है, बाकी सब तो सब्स्टिट्यूएंट बन गए। अब सर फिर डबल बॉन्ड को फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह वो नहीं करेंगे। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं अब इसमें? सब्स्टिट्यूएंट ये है, सब्स्टिट्यूएंट ये सब्स्टिट्यूएंट है। एक मिनट, ये अब तो कीटो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, ये रहा, ये कीटो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना अब तो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है ये। क्लियर है कि नहीं? ये एक ही फंक्शन ग्रुप होता है, बाकी कोई फंक्शन ग्रुप नहीं होते। हाँ सर समझ गया। ये बाकी को समझ, ये सिर्फ हिमांग का सही और किसी का सही नहीं हुआ है। चलो देखो इधर क्या आएगा इसमें। मिथाइल पहले, मिथाइल, फिर 1 2 2 पे नाइट्रोसो, 2 पे नाइट्रोसो, 3 पे डायरेक्टली अटैच कार्बन को, 1 फिर 2 फिर 3।
डायरेक्टली टच करूंगा वन, फिर टू, फिर थ्री। थ्री पे वन हाइड्रोक्सी, टू ऑक्सो, लिख लिया है। वन हाइड्रोक्सी, टू कीटो प्रोपाइल। टू कीटो प्रोपाइल और चार कार्बन है तो ब्यूट आएगा, ब्यूट थ्री इन वन ओ एट, ब्यूट थ्री इन वन ओ एट। क्लियर है कि नहीं है? एक बार इसको ढंग से स्टडी करो, यस सर, एक बार दोबारा देखो उसको। सर सर हाँ बोलो। नंबर क्यों पर नहीं दिए गए? दोबारा बोलो, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं, कौन बोल रहा है? इशिता हाँ इशिता बोलो। हाँ सर, हम नंबरिंग ऊपर क्यों नहीं ले गए? मतलब फोर हमने आगे क्यों बढ़ा दिया? फोर हमने यहाँ क्यों नहीं किया, ये कह रहे हो क्या? यहाँ यस पे सर। ये ऑर्डर फंक्शन ऊपर ना, पहले फंक्शन को प्रेफरेंस मिलेगी, फिर डबल बॉन्ड इक्वल टू ट्रिपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। डबल बॉन्ड अगर है तो चेन चाहे छोटी भी हो तो छोटी, उस छोटी चेन की तरफ जाएंगे। ओके सही सर। है। हाँ ये समझ आ गया सबको, नाम की नहीं वाला? ये क्लियर है सबको कि नहीं है? यस सर। फोर्थ की नेमिंग हर्षित, तेरे को समझ आया ये? हाँ हाँ सर, थर्ड वाला मतलब थोड़ा थोड़ा ही आया है। तो तभी क्या ना, प्रैक्टिस करी जरूर इसको, प्रैक्टिस कर आईबीसी नेमिंग को। ठीक फोर्थ की नेमिंग ठीक कौन है सा सर। आएगा? फोर्थ और फिफ्थ। हाँ फोर्थ फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्राक्ष और आदित्य। हाँ आदित्य बोल पहले फोर्थ की नेमिंग। सर 1 2 3 ट्रिस मिथाइल कार्ब एल्कोक्सीन प्रोपीन। नहीं, कार्बन कॉक्सी तो यूज करेंगे नहीं ना, वो तो एज ए प्रिफिक्स आएगा तो यूज करेंगे, ये प्रिफिक्स थोड़ी है, फंक्शनल रूप है ना ये तो। और कौन ट्राई करेगा? चित्राक्ष। ट्राइल मिथाइल प्रोपीन 1 2 3 ट्राइल कार्बोक्सिल। नहीं, 12 सालों में बच्चों में से। अर्जुन बोल। सर 1 2 3 ट्राई कार्ब एस्टर प्रोपेन। गलत है। मनन। सर ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। दोबारा बोले एक बार। ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। देखो पहले मिथाइल यहाँ पे है, मिथाइल यहाँ पे है, मिथाइल यहाँ पे है, चेन यहाँ पे है। ध्यान देना, पांच की चेन नहीं लेंगे। अगर तुम पांच की चेन लोगे, जैसे वन इसको दिया, टू इसको दिया, थ्री इसको दिया, फोर इसको दिया और फाइव इसको दिया, तो इस फंक्शन को प्रेफरेंस मिल गई, क्योंकि वन पे ही आ गया, फाइव पे ही आ गया, इसको प्रेफरेंस मिल गई। वन पे और फाइव पे प्रेफरेंस मिल गई, लेकिन इसको प्रेफरेंस नहीं मिल पाई इस वाले को। इसलिए टर्मिनेटिंग फंक्शन रूप में हम क्या करते हैं, एक बार को हम ट्राई करेंगे कि सबको प्रेफरेंस मिल जाए। तो सबको प्रेफरेंस कब मिलेगी? जब मैं वन टू थ्री लिखूं उसे, जब मैं लिखूं वन टू थ्री, ध्यान देना इधर। वन पे ये आ गया, टू पे ये आ गया, थ्री पे ये आ गया, वन टू थ्री। क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर है कि नहीं? अब इसमें मिथाइल ये इन तीनों की पोजीशन लास्ट में मिल जाएगी, ट्राई मिथाइल।
ट्राइमिथाइल और प्रोपेन, तीन कार्बन है प्रोपेन। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और क्या आ जाएगा ट्राई, 1 2 3 ट्राई, 1 2 3 ट्राई, ओ एट आना चाहिए लेकिन सी काउंट नहीं हुआ है इसलिए 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट आए। क्लियर है कि नहीं, है क्लियर कि नहीं? है एस्टर की नेमिंग तुम 10 बार करो, सबसे इंपॉर्टेंट है एस्टर की नेमिंग जरूर आनी चाहिए तुम। ये क्लियर हो गया कि नहीं? सर एक और बार बता दो। देखो ये टर्मिनेटिंग फंक्शन रूप है, इसमें हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम कि सबको प्रेफरेंस मिल जाए, अगर नहीं मिल पा रही है एक को भी किसी भी तरीके से तो हम लॉन्गेस्ट नहीं लेते हैं, अदरवाइज हम ट्राई करते हैं कि सबको प्रेफरेंस मिल जाए। जैसे अगर मैं 1 ये ले रहा हूँ लॉन्गेस्ट लेते हुए, 1 2 3 4 और ये 5, अगर मैं ये लेता हूँ तो इसमें 1 पे ये आ रहा है, 5 पे ये आ रहा है, 1 और 5 पे आ गए दोनों, क्या ये कहीं पे भी आया? क्या इसका इस कार्बन का नंबर आया इस वाले कार्बन का? नहीं आया ना नंबर इसका। तो मैं ट्राई करूंगा कि सबको प्रेफरेंस मिल जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, बस 1 2 3, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये ट्राई कर लिया, 1 2 3। अब 1 2 3 करते ही 1 पे ये आ गया, 2 पे ये आ गया, 3 पे ये आ गया, लेकिन सी काउंट नहीं हुआ इनका तो एक कार्ब वर्ड एक्स्ट्रा यूज करेंगे, सी काउंट नहीं हुआ तो कार्ब वर्ड एक्स्ट्रा यूज करेंगे। तो अब ट्राई मिथाइल लिख देंगे, पहले मिथाइल लिखते नहीं वाले पार्ट, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ट्राई मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। क्लियर है कि नहीं है? ओके सर। लास्ट वाले की नेमिंग हाँ चित्राक्ष, 3-1 कार मिथॉक्सी मिथाइल पेंटेन 1-5 डायोड। पेंटेन 1,5-डायोड। देखो इसमें यस अगर सर। तुम लॉन्गेस्ट लेते हो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये, 1 2 3 4 5 ये लेते चेन, तो अब इसको प्रेफरेंस मिल गई और इसको मिल गई, इसको अब भी नहीं मिल पाई। लेकिन अगर तुम इसमें 3 की चेन भी लेते हो ना, 3 की चेन जैसे ये ले लिए 1 2 3, तो भी इसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, तब भी 1 पे ये आ जाएगा, 3 पे ये आ जाएगा, लेकिन ये अब भी नहीं आया, इसलिए हम 5 की ही चेन लेंगे। अगर नहीं मिल पा रही प्रेफरेंस तो 5 की चेन ही लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं? तो इससे पहले क्या लिखेंगे इसमें, डाई मिथाइल, स्टार्टिंग में डाई मिथाइल, डाई मिथाइल सही ना, डाई मिथाइल, उसके बाद 3 पे ब्रैकेट में 1 देंगे और ये है सब्स्टिट्यूएंट, 2 मत दे देना, 1 पे ये सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या था? कार्ब एल्कोक्सी था, एल्कोक्सी में एकदम मिथॉक्सी, क्योंकि ओ सी एच 3 है, 3 पे 1 कार्ब मिथॉक्सी मिथाइल। थ्री पे 1 कार्ब मिथॉक्सी मिथाइल। क्लियर है कि नहीं है? 3 पे 1 कार्ब मिथॉक्सी मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन 1,5-डाइओएट। क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझ आया ये? देखो समझ आ गया सही कि नहीं वाला है? एक सर और बताना। सही एक और थ्री बता पे दो एक बार यार। बता देना, 3 पे कैसे नहीं मिली? 3 पे देखो 5 की चेन लेनी है इसमें, क्योंकि तीनों को प्रेफरेंस कभी नहीं मिल पा रही है। 3 पे जो है डायरेक्टली टच कार्बन को देंगे 1, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है ना, एस्टर का प्रीफिक्स चेक करो क्या लिखा है, अभी तो प्रीफिक्स में ही आएगा ना, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप क्या आएगा, ये वाला आएगा, इसका सी काउंट हुआ, इसका भी सी काउंट हुआ, तो मेन फंक्शन ग्रुप ये है, तो इसलिए डाइओएट तो आना ही आना है, डाइओएट तो आना ही आना है, ये आएगा एज ए प्रीफिक्स ये वाला। तो एस्टर का प्रीफिक्स क्या है, कार्बन एल्कोक्सी है कि नहीं, या एल्कोक्सी कार्बोनिल है कि नहीं? थ्री यस पे सर। वन कार्ब 3 पे 1 कार्ब मिथॉक्सी मिथाइल कह लो, या 3 पे मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल,
या थ्री पे मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल, और पांच कार्बन है तो पेंटेन, वन पे ओएट, फाइव पे ओएट, पेंटेन 1,5 डाइओएट। क्या समझ आ गया? नहीं समझ आया? आगे ये समझ आना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर एस्टर का ना जैसे सीओ सी एस थ्री है, देखते हैं मैं अभी आगे पूछूंगा क्वेश्चन, ये देखते हैं किसको याद रहता है, किसको याद रहता है ये। अगर मैं यहाँ पे सीओ सी एस थ्री की जगह ओ सी ओ सी एस थ्री लिख दूं, क्या ओ सी ओ सी एस थ्री, अब इसका नाम क्या होगा? थ्री पे, थ्री पे क्या बोलोगे? नवीन ने हैंड सेस कर दिया, और कोई? अब थ्री पे क्या लिखोगे? वन पे। इसका नाम क्या होगा? पहले तो सी ओ सी एस थ्री था, सी से जुड़ा था, अब ओ से जुड़ा है, तो ध्यान रखना इसका नाम होता है इथेनॉइल। इथेनॉइल और ये ऑक्सी पे लिखते तुम वन इथेनॉइल ऑक्सी। ये बातें बहुत कम जगह लिखी हैं। वन पे, थ्री पे वन इथेनॉइल ऑक्सी मिथाइल। क्या ये बात समझ आई? सर एसिटॉक्सी बोल सकते हैं। एसिड ऑक्सी कॉमन नेम में आता है वैसे, सही है तेरा, एसिड ऑक्सी कॉमन में आता है, सही है। OCOCH3 को एसिड ऑक्सी भी बोलते हैं, आजकल ज्यादा यूज यही हो रहा है, एसिड ऑक्सी, सही नवीन? यस सर। हाँ समझ आ गया कि नहीं? ये फिफ्थ वाला, सर जैसे दो एस्टर हैं, एक पे मतलब जैसे CH3 लग रहा है, एक पे C2H5, तो मतलब स्मॉलर एल्काइल पार्ट वाले को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। अच्छा नहीं अल्फाबेट को लौट। सर इसमें प्रेफरेंस किस हिसाब से हुई है? जैसे नया वाला जो आपने लिखा है वो बीच में, इसको प्रेफरेंस नहीं मिलती है, तो काउंट होता है उसमें, क्या नाम है, प्रीफिक्स में। और कुछ पूछना किसी को? नेमिंग को बहुत ढंग से करना, मिस नहीं करना बिल्कुल। मैं एक नाम लिख रहा हूँ, इसको ट्राई करना है, ये ट्राई करना है, एक और नाम CH3। चलो ये नेमिंग ट्राई करनी है, देखते हैं कैसा सही होता है, कौन सोच पाता है इसको। देखो किस किसने ट्राई किया अभी? अर्जुन, नवीन, मनन, 11th वाले बच्चों में किसी ने ट्राई नहीं किया है? क्रेश,
गर्व हिमांग। चलो एक बार रीज्वाइन करो, फिर बताते हैं आंसर। एक बार रीज्वाइन करना जल्दी से।